हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो पीजी एडमिशन है उसका थर्ड फेज आगाज हो चुका है। थर्ड फेज का एडमिशन का प्रोसेस कल से पूरे रनिंग में प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगा। हर अपडेट हम आपको टू द टाइम दे रहे हैं, सारा अपडेट आपके पास है। अपडेट के बावजूद कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि अब जानना आपके लिए और भी बेहतर हो जाता है और भी जरूरी हो जाता है। मैंने आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले 2 बजे के आसपास एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि जिसका लिस्ट नया आया है उसका कारण है कि रिजर्वेशन वाला सीट बचा है, यानी 80% जो सीट रिजर्व है वो वाला सीट बचा है एंड प्लस अदर यूनिवर्सिटी के लिए सीट नहीं बचा है, इसलिए वो कट ऑफ, वो जो लिस्ट है, अलॉटमेंट लेटर है, नहीं आ रहा है, यानी लिस्ट नहीं आ रहा है कैंडिडेट का। ये बात मैंने आपको बताया था तकरीबन 2 बजे, और देखिए शाम होते होते वो जो लिस्ट है वो अपलोड भी कर दिया गया कि कौन कौन से पेपर में ओनली रिजर्वेशन का सीट बचा है, अदर यूनिवर्सिटी के लिए सीट नहीं बचा है। अब वो सारा सीट पे डी रिजर्वेशन होगा और जो स्पोर्ट एडमिशन, कैजुअल एडमिशन के जो सारे प्रोसेस है उसका ऑफलाइन अपडेट आना स्टार्ट होगा। तो ये तो कंफर्म है कि जब जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस थर्ड फेज खत्म होगा इसके बाद ही वो सारा अपडेट आएगा। जो भी फर्दर अपडेट होगा वो अपडेट हम आपको डिलीवर करेंगे। और फॉर फर्दर सपोर्ट के लिए, ज़्यादा सपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया भी कि अगर आपको पूरा अपडेट चाहिए, अगर हर मिनट का अपडेट चाहिए, आपको पर्सनल सजेशंस वगैरह चाहिए, तो फिर आप व्हाट्सएप की प्रीमियम फैसिलिटी को ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपको नॉर्मली जो सारा अपडेट जैसे आपको मिल रहा है वो मिलता रहेगा, बस थोड़ा सा कुछ अंतर रहेगा। खैर वो जो भी रहेगा वो आपको आगे पता चलेगा। वो फैसिलिटी बेहद ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है अगर आप सही तरीके से सोचते हैं तो। अभी जो मैंने सारा बात बताया वो सारा बात वेरीफाइड हो गया, आपको ये एहसास भी हो जाएगा, क्योंकि जो भी मैं अभी दिखाऊंगा वो ध्यान से आप समझिएगा। प्लस आपको बता दें कि जो ब्लीस का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ब्लीस का नहीं कह सकते, जो LLB का जो लॉ का जो एंट्रेंस टेस्ट है, लॉ टेस्ट का पूरा शेड्यूल आ चुका है, किस तरीके से लॉ का एग्जाम होगा, क्या सारे डेट्स है, कौन कौन से सेंटर बनाए गए हैं BA LLB के एडमिशन के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो पहले थर्ड मिड लिस्ट की बात कर लेते हैं, इसके बाद BA LLB का जो अपडेट है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसका डेट वगैरह आपको दिखा देंगे। तो अगर थर्ड मिड लिस्ट के बारे में बात करें तो आप होम पेज पे आते हैं, यानी पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन पोर्टल है आप इसके होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आने के बाद आपको इस तरीके से कुछ नोटिस वगैरह मिल जाता है। यहाँ अगर आप थर्ड मिड लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन अपीयर होता है। जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसमें मिल जाता है आपको पटना यूनिवर्सिटी थर्ड मिड लिस्ट, एंशियंट हिस्ट्री, अरेबिक, बंगाली, मैथिली, पर्सियन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, होम साइंस, फिलोसफी, संस्कृत, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड कॉमर्स। ये सारे ऐसे पेपर्स हैं जिसमें अदर यूनिवर्सिटी के लिए सीट था, तो इसका आपका जो लिस्ट है वो लिस्ट जाहिर हुआ। फिर भी इसमें भी अभी सीट रिजर्व जो सीट है उसमें उसके लिए अलॉटमेंट नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। तो पटना यूनिवर्सिटी के लिए जो स्टूडेंट है उनका रिजर्वेशन यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा। जैसे 7 सीट अभी भी टोटल वैकेंट है, इस लिस्ट के आने के बावजूद, ये लिस्ट आने के बावजूद 7 सीट वैकेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, अभी भी 7 सीट वैकेंट है जो कि अब अगला फेज में एडमिशन होगा। तो जो टोटल वैकेंट पटना यूनिवर्सिटी का रहेगा वही आपके लिए काम का है, यानी अगले एडमिशन के प्रोसेस के लिए। और जो यहाँ पे 0 दिखा रहा है वो है अदर यूनिवर्सिटी के लिए। तो 7 सीट देख सकते हैं अभी भी वैकेंट है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें सीट नहीं, ध्यान रखिएगा। और अभी कोटा के एडमिशन का जो 18% सीट अलग से है वो भी सीट अभी आपके पास है, तो वो सारा सीट पे एडमिशन होगा। एक सीट पे एडमिशन होता है, कोई भी ऐसा सीट नहीं जो बच जाएगा। अगर दूसरे पेपर के बारे में बात करें, अगर ज्योग्राफी के बारे में बात करता हूं, जो भी हाई डिमांडेड पेपर है उसके बारे में देखिए बात करूं, तो अभी ज्योग्राफी में आपका 2 सीट बचा हुआ है पटना यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए, जो कि रिजर्वेशन के तहत अभी तक रिजर्व है, अभी तक इस पे किसी भी प्रकार का इस फेज में एडमिशन नहीं होगा। इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको बात किया था, तो इकोनॉमिक्स में भी टोटल 29 सीट है जो कि रिजर्व है आपका पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, और पटना यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, जिससे कि ये सीट बचा रह जाता है जो कि आगे एडमिशन के प्रोसेस में आपको मिलेगा। तो ये ऐसे कुछ पेपर है, यानी एंशियंट हिस्ट्री, जो भी मैंने अभी आपको तमाम पेपर बताया, इस पे अभी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का सीट बचा हुआ था इसलिए इसका लिस्ट है। इसके बाद इसके नीचे जस्ट देखे बताया गया है कि सीट मैट्रिक्स आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट, यानी ये ऐसे लिस्ट है, ये ऐसे पेपर से जिसमें कैंडिडेट पटना यूनिवर्सिटी के है ही नहीं जो एडमिशन लिस्ट में, यानी ये सीट अभी पूरा पूरी बचा हुआ है। और मैंने आपको बताया अभी कि जो तमाम पेपर्स हैं आपको लगभग जो पेपर्स है मैथ सेक्शन का, मतलब साइंस के सेक्शन का, वो लगभग में सीट बचा हुआ है। और जो भी अदर पेपर है जिसका लिस्ट यहाँ पे नहीं आया है, अलॉटमेंट नहीं आया है, उसका कारण है कि PU के बच्चे इसमें नहीं थे, यानी PU कैंडिडेट इसमें अवेलेबल ही नहीं है, जबकि ये सीट रिजर्व है PU के स्टूडेंट्स के लिए। तो PU के सीट्स अवेलेबल नहीं है, PU के स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है, बट सीट उनके लिए रिजर्व है। तो ये सीट रिजर्व को डी रिजर्वेशन किया जाएगा नेक्स्ट फेज में। तो जो भी होगा वो आगे आप जानिएगा। अगर बात करें सीट के बारे में तो हर फैकल्टीज में सीट है। अगर हिंदी के बारे में बात करें तो टोटल 15 सीट है जो कि PU के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, जो कि नेक्स्ट फेज में डी रिजर्वेशन होगा। पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात की जाए तो पॉलिटिकल साइंस में 6 सीट बचा हुआ है, ध्यान रखते जाइएगा जो भी मैं बता रहा हूँ फटाफट। उर्दू के बारे में बात की जाए तो उर्दू में भी टोटल 18 सीट वैकेंट है आपको, जिसपे आगे एडमिशन होगा। बोटनी में बात की जाए तो बोटनी में आपका 1 सीट वैकेंट है। इसके बाद आगे बात की जाए केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जो आपका सीट वैकेंट है वो 6 सीट वैकेंट है।
अगर बात की जाए आपको जियोलॉजी में, तो जियोलॉजी में जो टोटल सीट वैकेंट है वो आपका 6 सीट वैकेंट है। अगर नेक्स्ट बात की जाए फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स में जो तमाम सीट वैकेंट है वो आपका 5 सीट वैकेंट है। अगर बात की जाए मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में भी आपका 1 सीट वैकेंट है। अगर नेक्स्ट बारे में बात की जाए स्टैटिस्टिक्स में, तो स्टैटिस्टिक्स में भी अभी आपका 6 सीट वैकेंट है। यहाँ पे वैकेंट के बारे में जान के, जो भी मैंने अभी आपको बताया ये वैकेंट सीट, प्लस आप ऊपर का चेक कर लीजिए हिस्ट्री में भी कितना सीट वैकेंट है, तो हिस्ट्री में भी 14 सीट वैकेंट है पीयू के स्टूडेंट के लिए, चूंकि ये रिजर्व है तो ये सारा सीट पे अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो आप इस तरीके से पूरा सीट का कैलकुलेशन जुड़िएगा। तो मैंने तो आपको लगभग जो अभी कुछ देर पहले का जो मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको जोड़ के बताया भी था, लगभग आपको 300 से 400 सीट अभी भी डी रिजर्वेशन के अंडर में एडमिशन होगा, जो कि अदर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये ओपन किया जाएगा। बशर्ते इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके पास प्रॉपर नोटिस पहुंचना। नोटिस मैक्सिमम का ऑफलाइन आएगा, आप खुद देखेगा कि पोर्टल पे वो नोटिसेस आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे पॉलिसीज को मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, इसीलिए पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया हूं ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम ना हो। और जो दूर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सपोर्ट्स के लिए जो भी सारा अवेलेबल सपोर्ट होगा वो मैं सपोर्ट अवेलेबल करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा परेशानी भी होता है, मुझे लगातार यूनिवर्सिटीज वगैरह जाना होता है, तो इसके अपडेट के लिए थोड़ा सा सर्विस चार्ज ले रहे हैं, वो आपके चॉइस पर डिपेंड है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, आपके लिए वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये सारा आप बात को समझते भी हैं। खैर अगर आगे बात की जाए, ये जो अपडेट है ये अपडेट आप देख सकते हैं कि आपको टू द टाइम से पहले अपडेट अवेलेबल कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किस तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर मैनेज करता हूँ, हर इन्फॉर्मेशन को पहले ही मैं आपको बता देता हूँ ताकि वो सारा थिंग्स के लिए आप क्यूरियस रहें और आपका एडमिशन सही तरीके से कंप्लीट हो जाए। ये सारा बात मैंने आपको बता दिया था लगभग 1-2 बजे, जिस टाइम नोटिस वगैरह कुछ भी ये सारा थिंग्स अपलोड नहीं था, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करके आपके लिए बताते हैं। उसी तरीके से ऑफलाइन का नोटिस का टाइम आएगा तो आपको एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कि कब ऑफलाइन कब एडमिशन होगा, किस तरीके से होगा, वो सारा पॉइंट आगे आपको पता चल जाएगा। अगर बात की जाए एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, तो एडमिशन का प्रोसेस 21-2-2022 से लेकर के 25-2-2022 यानी कल से एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा जो 25 तक चलेगा। आपको सारा डॉक्यूमेंट्स रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में लेके जाना है। डिपार्टमेंट में अगर बात की जाए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका अलॉटमेंट लेटर, आपका पेमेंट स्लिप, आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर 2 कॉपी में, प्लस आपका जो भी सारा डॉक्यूमेंट है सीएलसी छोड़कर सारा डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनली लेके जाइएगा जिससे वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद अगर आपको आवेदन से किसी भी प्रकार का अगर आपको फॉल्ट वगैरह लगे, तो आप DSW ऑफिस PU में जाकर के आप इसके अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हैं। चेक पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि एडमिशन अगेंस्ट ओपन और PU कोटा ये चेक पॉइंट वगैरह है जिसमें आपको चेकिंग किया जाएगा, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो ये सारे पॉइंट पे आपका चेकिंग किया जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट अपडेट के बारे में, अगर LLB के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, तो LLB का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। एडमिट कार्ड जैसे ही रिलीज होगा फिर हम आपको फर्दर बताएंगे। यहाँ डेट वगैरह पे ध्यान रखिएगा, 27-2-2022 को मिनली एग्जाम है और यहाँ सेंटर डिफरेंट डिफरेंट सेंटर है। सेंटर को पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, पटना वाणिज्य महाविद्यालय, मगध महिला कॉलेज और BN कॉलेज, ये तमाम सेंटर्स बने हैं LLB के एडमिशन के लिए, LLB के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सबका एग्जाम 27 को है। शिफ्ट आपको बता दें 1 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक, यानी दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक कितना टाइम का एग्जाम है। यहाँ कैंडिडेट का है बताया गया है कैपेसिटी 600 कैंडिडेट, 300 कैंडिडेट, ये कैंडिडेट का लिस्ट वगैरह है। तो इस तरीके से पूरा जो अपडेट है आज का अपडेट अभी आपको मैंने डिलीवर कर दिया। एडमिशन अपना लीजिए सेकंड फेज में, जिनका भी अलॉटमेंट आया है, जिनका भी एडमिशन नहीं हो पाया या लिस्ट में नाम वगैरह नहीं आया है, वो अपडेट से खाली अपडेटेड रहिए। चैनल पर विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी फर्दर इन फ्यूचर सारा अपडेट है वो टू द टाइम आपको मिल सके। सो गाइज आज के लिए इतना ही, वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।